अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लाए हैं गाबा नेशनल कंपनी की ट्विन टब वॉशिंग मशीन, जिसमें एक साइड पर आप कपड़े धो सकते हैं और दूसरी साइड पर आप कपड़े स्पिन भी कर सकते हैं। बेबी वॉशर है जी गाबा नेशनल कंपनी की। इससे पहले जो है वो हमारी आप दूसरी वीडियो में इसके दूसरे मॉडल की वीडियो भी देख चुके होंगे कि जिसमें एक ही टब के अंदर वॉशिंग मशीन भी थी और उसमें ड्रायर भी था, लेकिन इसमें जो है वो एक साइड पर वॉशिंग मशीन है और दूसरी साइड पर जो है वो बड़े साइज का ड्रायर है। लास्ट मॉडल जो इसका सिंगल वाला मॉडल है उसमें ड्रायर की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें आप कपड़े सही तरीके से स्पिन नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें स्पिनर की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। सबसे पहले आपको मॉडल नंबर बताते हैं जी, 95023 इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर भी आप फोकस कर सकते हैं। और मजीद जी आप सबसे पहले आपको इसकी वॉशर कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। ये जी इसकी वॉशर साइड दी गई है जिसमें आप कपड़े जो बच्चों के हैं इजीली वॉश कर सकते हैं। कैपेसिटी अगर आपको बताएं तो अप्रोक्सीमेटली इसकी कैपेसिटी जो है वो 2.25 केजी है, 2.25 केजी तक इसका वेट है। इसके अंदर मतलब कि आप अपने 1.5 से 2 सूट जो है वो इजीली वॉश कर सकते हैं। बच्चों के अगर करने हैं तो आप ज़्यादा कपड़े वॉश कर सकते हैं, अगर आपने बड़ा सूट करना है तो आप इसमें 1 सूट बड़ा भी ईजिली वॉश कर सकते हैं। सेकेंड, अब जी बात करते हैं इसके स्पिनर की। इसके स्पिनर की अगर आपको कैपेसिटी बताएं तो 0.8 केजी तक इसके स्पिनर की कैपेसिटी है, जिसमें आप छोटे बच्चों के जो है वो 2 से 3 सूट आराम सुकून से एक टाइम में स्पिन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके वाटर इनलेट बताते हैं जी। दोनों का जी ऊपर वाटर इनलेट भी दिया जाता है। ये वॉशर का इनलेट है वॉशर वाली साइड पर पानी डालने के लिए, और ये जी ड्रायर वाली साइड पर पानी डालने के लिए। यूज़ करने के लिए जी ऊपर इसके बटन दिए जाते हैं। एक बटन है जी वॉश टाइमर का, जिसमें आप 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का टाइम सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसकी परफॉर्मेंस होगी जैसे हमारी बड़ी वॉशिंग मशीन की होती है। सेकेंड नॉब जो है वो स्पिन टाइम के लिए है, इसमें आप स्पिन का टाइम सेट कर सकते हैं, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का स्पिन टाइम है। उसके बाद जी जैसे वॉशिंग मशीनों में नॉर्मल और हैवी का ऑप्शन होता है जिसे कि वॉश सिलेक्टर कहा जाता है, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है जिसपे आप नॉर्मल और सॉफ्ट पर इसको सेट कर सकते हैं। ये जी नॉर्मल पर इसको सेट कर सकते हैं और ये जी सॉफ्ट का ऑप्शन है। अच्छा जी, वापिस में जो है वॉशर वाली साइड की आपको मजीद स्पेसिफिकेशन भी बताते हैं। इसमें जो है वो छोटा सा एक फिल्टर भी दिया जाता है जैसे कि हमारी बड़ी वॉशिंग मशीन में होता है। ये फिल्टर का अगर आपको फायदा बताएं तो इसमें से पानी मूव होके गुजरता है यहाँ से फिल्टर होके। फिल्टर होने से फायदा ये होता है कि जब आप कपड़े धो रहे होते हैं तो पानी में छोटे छोटे से धागे आ जाते हैं कपड़ों के साथ जैसे लगे हुए होते हैं, तो वो उनको ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ से जैसे पानी होके यहाँ से फिल्टर से साफ होगा तो जो धागे हैं वो यहीं ऑब्जर्व हो जाएंगे। आप इसको निकाल के वॉश कर सकते हैं, आपके बच्चों के कपड़ों को बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आप इसकी स्पीड भी देखना चाहते हैं तो हम इसकी जो वॉशर वाली साइड है इसका टाइमर ऑन करके आपको इसकी स्पीड भी चेक कराते हैं कि क्या इसकी स्पीड है और किस तरह से ये परफॉर्म करती है। स्पीड आप देख सकते हैं आरपीएम बहुत ही अच्छे इसके आरपीएम है और सेम एज इट इज़ बड़ी वॉशिंग मशीन की तरह ये काम करता है। कुछ सेकंड जो है वो एक साइड पर मूव करेगा इसका पुल सीटर, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ये ऑपोजिट साइड पर पुल सीटर जो है वो मूव करेगा, जिससे वॉशिंग क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। इससे जो है वो प्रोफेशनल वॉश आता है जैसे कि हमारी बड़ी वॉशिंग मशीनें वॉश करती हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके स्पिनर की। स्पिनर साइड भी आप देख सकते हैं, इसका जो टब दिया गया है वो बहुत ही अच्छा इसका टब दिया गया है और इसमें जो है वो मूवमेंट बिल्कुल कम है, और आप शावर रिंस भी कर सकते हैं। यहाँ से वाटर ऐड करेंगे और यहाँ से जो है वो वाटर शावर होगा जो कि कपड़ों के ऊपर गिरेगा। अगर आपने कपड़े रिंस करने हैं तो आप यहाँ से कपड़े रिंस भी कर सकते हैं। इसका भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर है, इसका आप यहाँ से टाइम सेट करेंगे, टाइम सेट करने के बाद ये मूव हो जाएगा। अच्छा, जो इसका टप होता है वो ऑटो ब्रेक डोर सिस्टम के साथ होता है। डोर बंद करेंगे तो ये चलेगा, डोर जैसे ओपन करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। स्पीड आप इसकी फील कर सकते हैं, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है जो कि 5 मिनट के अंदर ही आपके बच्चों के कपड़े इजीली स्पिन कर देगा। मजीद स्पेशल बात इसमें है कि अगर आप एक टाइम में दोनों चीजें इकट्ठी ऑन करना चाहते हैं कि अगर आप एक साइड पर वॉश करें और दूसरी साइड पर स्पिन करें तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जी हम इसका ड्रायर ऑन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ड्रायर इसका ऑन हो गया और ये जी इसकी हमने वॉशर ऑन कर दी है तो यहाँ से वॉशर भी इसकी ऑन हो गई है। ये जी एक टाइम में दोनों काम आप इजीली कर सकते हैं।
मजीद असेसरीज अगर आपको बताएं तो इसमें जी एक इनलेट पाइप दिया जाता है जिससे आप वॉशर वाली साइड पर पानी डालना चाहें या फिर ड्रायर वाली साइड पर डालना चाहें तो आप ये पाइप लगा के इसकी मदद से दोनों साइडों पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। और ड्रायर का अगर आपको बताएं तो जब आपने ड्रायर यूज़ करना है तो इसके साथ ये क्लॉथ प्रेसर भी दिया जाता है। जब आप इसके अंदर कपड़े डाल लेंगे तो ऊपर से आप इस क्लॉथ प्रेसर को जो है वो इसके अंदर कपड़ों के ऊपर रख देंगे ताकि कपड़े जो है वो निकल के आपकी साइडों पर ना लगे। उससे ये होता है कि कपड़े साइडों पर फंस जाते हैं और जो इसकी ड्रम की मूवमेंट है या फिर मोटर के जलने का खतरा ज़्यादा होता है। जब आप ये क्लॉथ प्रेसर इसके ऊपर रख लेंगे तो आपका ड्रायर जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसको अगर आपने मूव करना हो या उठाना हो तो इसके लिए हैंडल भी दिया जाता है जिसकी मदद से आप इसको उठा सकते हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं फुल प्लास्टिक बॉडी के साथ है, टोटल कवर्ड। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, 140 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अब वारंटी के बारे में अगर आपको बताएं तो टोटल 2 साल की कंपनी की वारंटी के साथ है। इसको अगर आपने ऑर्डर करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं और 2 साल तक की मुकम्मल वारंटी आप इजीली हमसे क्लेम करवा सकते हैं। मजीद इस तरह के आइटम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।